हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ के मैंने कुछ एक कराए थे, लगभग 18 तक मैंने करवाए थे, जिनमें कुछ एक एक करवाया था, एक एक छोड़ा था। जो क्वेश्चन छोड़े वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप लोगों को भी। अब देखो और कुछ क्वेश्चन है जो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो आपसे नहीं होंगे वो मुझे बता देना, उसको हम कल कर लेंगे सॉल्व, ताकि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन तो मैंने कर लिए थे, और देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मतलब मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जिनके फिगर इजीली क्वेश्चन पढ़ के बन रहे आराम से, तो आपके फिर प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कैसे बनता है, ऊपर की तरफ देखने पे बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो ये पहले ग्राउंड बना दो, क्योंकि दोनों कहाँ बने हुए होंगे, बिल्डिंग भी ग्राउंड पर ही होगी और टावर भी ग्राउंड पर ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग बना दी और यहाँ ये टावर बना दिया, और बिल्डिंग की हाइट कितनी थी भी 7 मीटर। आई बात उनमें, क्या कह रहा है ये, 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, वहां से टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हुआ, आपने बिल्डिंग की छत पे गए और टावर को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट, और इसी पॉइंट से टॉवर के फुट के लिए एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कैसे बनेगा। भाई आप यहां खड़े हो, ऊपर देख रहे हो तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनेगा, और वो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसा है तो बताओ हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, टावर कितना लंबा होगा। अब तो नहीं बोलो तो ठीक रहेगा, मैंने पहले बोला है होगा लंबा। टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ये हाइट, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? अब आप बताओ कि अगर ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा, 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, यस सर, मैं बेस निकाल सकता हूँ, बेस इसलिए निकाल रहा हूँ कि बेस दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। बात समझ में आ रही है, हाइपोटेनियस का ना तो इस हाइपोटेनियस का कोई रोल है क्वेश्चन में, और नहीं इस हाइपोटेनियस के बारे में कुछ पूछा गया है, नहीं पूछा। तो इन दीज टू ट्रायंगल वी डील विद परपेंडिकुलर एंड बेस। बात समझ में आ रही है, बेस बिकॉज बेस इज द कॉमन साइड इन बिटवीन दीज टू ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर इज गिवन, एंड इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट अगेन परपेंडिकुलर, व्हेन दिस परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल ऐड विद द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, देन वी कैन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ टावर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं बी सी ई, एंड ट्रायंगल बी सी ई कौन सा एंगल काम में लेंगे, राहुल मैं डील कर रहा हूं परपेंडिकुलर और बेस से, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना है, थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना है जय, 7, परपेंडिकुलर है पहले लिखोगे सीई, और बेस कितना है बीसी, ठीक है जीवराज, टेन 45 डिग्री कितना होता है, वन वन नहीं ओनली वन, ओनली वन, ठीक है सीई कितना है 7 अपॉन बीसी, यहां से बीसी कितना आया 7, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? कहने का मतलब जब एंगल 45 डिग्री का हो तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 45 डिग्री का हो तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा, इक्वल 1 होगा, और 1 सब होता है जब ऊपर नीचे बराबर हो, सेम वैल्यू हो, ठीक है। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 6 होता तो ये भी 6 होता, ठीक है ये 5 होता तो ये भी 5 होता, क्लियर? तो ये हमें मिल गया 7, आई बात समझ में।
अब देखो इस ट्रायंगल में ए बी सी में मुझे ये तो पता था सेवन, मुझे अब ये निकालना है, ये निकालना मतलब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है परपेंडिकुलर। और बेस मैंने ऑलरेडी निकाल लिया तो मैं वापस परपेंडिकुलर और बेस से डील कर रहा हूँ मैं। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे काम में लूंगा, अगेन टेन थीटा, लेकिन थीटा कितना है 60 डिग्री। ललित परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर रूट थ्री है, परपेंडिकुलर है एसी और बेस है बीसी। टेन 60 डिग्री कितना होता है अलवंश, रूट थ्री, रूट थ्री पहले बता दिया मैंने, आगे वाले बता दिया एसी नहीं पता बट बीसी सेवन, तो एसी कितना हुआ सेवन रूट थ्री। अब हमें एसी भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ टावर H कहो या फिर ए ई कहो, तो ए ई किसके बराबर है, देखो फिगर को, ए सी प्लस सी ई के, कोई दिक्कत? अब ए सी हमने फाइंड कर लिया कितना था 7√3 और सी ई आपको फिगर में दिख रहा है कितना है 7, तो 7 आया कॉमन, तो ये हो गया √3 + 1। अब √3 की अगर वैल्यू दी हुई है, रूट थ्री होता है 1.732, अगर दी हुई है तो यहाँ लिखेंगे इसमें 1 ऐड करेंगे 2.732 और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपके टोटल हाइट ऑफ टावर जो आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत करो नोटी, हमने एक सवाल कल किया था ट्री वाला, सिमिलर क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, सेम क्वेश्चन है लगभग, तो इसको देखो कल अगर वो किया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि वो वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई, मतलब कल हमने ट्री की हाइट निकाली थी, यहाँ पे ट्री की हाइट दी हुई है कितनी 12 मीटर, बात समझ में आ रही है, वापस वही आंधी आई कल की तरफ, इसका टॉप जो है वो ग्राउंड के साथ जब टच करेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। आई बात समझ में? तो कल हमसे ये हाइट दी हुई नहीं थी, हमसे ये हाइट पूछी थी, सिर्फ ये डिस्टेंस दी हुई थी। तो मैंने ये निकाला और फिर दोनों को ऐड किया। अब यहाँ पे ये हाइट दी हुई है और ये पूछ रहा है आपसे कि फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, ग्राउंड से वो हाइट कितनी है जहां से ट्री मुड़ा है, मतलब आपको ये हाइट फाइंड करनी है, ग्राउंड से कितना ऊपर से ट्री बेंड हुआ है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? हां से दो टुकड़े हैं। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बाकी चीज वही है। और इसने कहा है कि रूट थ्री अगर कहीं यूज हो रहा हो तो यू हैव टू पुट देयर रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732। कोई दिक्कत? सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ एबी, ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री इज गिवन। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, मैंने इस हाइट को मान लिया x, लेट ए बी बराबर जो h मैंने बोला था उसको मैंने क्या मान लिया x, h ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, h ही रखो, h माना है h मीटर, कोई दिक्कत? और मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बताओ कि अगर ये पूरा 12 है और ये h है तो ये कितना हुआ, 12 माइनस h, ये बात समझ में आई कि नहीं है? Yes, अगर कंप्लीट हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर और जहां से ये बेंड हुआ दिस साइड इज h मीटर, तो रिमेनिंग हाइट विल बी 12 माइनस h मीटर। व्हेन यू ऐड 12 माइनस h प्लस h तो ये कितना हो जाएगा, वापस माइनस h प्लस h कर देगा 12 ही बचेगा अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक। तो अब देखो, अब आप इस सवाल में किससे डील कर रहे हो, थीटा के सामने वाली साइड निकालनी है और हाइपोटेनियस दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ h दे ही रखा है, लगभग मतलब बेस का कोई रोल है क्या, देयर इज नो रोल ऑफ
Base. So we deal with only perpendicular and hypotenuse. So when we deal with perpendicular and hypotenuse, which trigonometric ratio we use there? Sine theta. And the sine theta is a trigonometric ratio which gives us a relationship in between perpendicular and hypotenuse. Yeah. Okay. So now in triangle, this point, let's suppose this point is C. So in triangle ABC, अगर मैं बात करूं sin theta के and theta is what? 60 degree. तो sin 60 degree will be equal to perpendicular upon hypotenuse. So what is the perpendicular here? AB. And hypotenuse is what? AC. कोई दिक्कत? No. अब value of sin 60 degree बताओ आप क्या होगा? शुभम? root 3 by 2. गलत है, सही बताओ. सही है मेरे साथ शुभम जी मैंने बत बताया इसको 2 3 बताओ ठीक है बताओ AB कितना है H और AC कितना है 12 माइनस H कोई दिक्कत पर मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है H की तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके H की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 को root 3 से मल्टीप्लाई किया 12 root 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और माइनस h को भी root 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का root 3 h और 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय h 2h ठीक है तो ये हो जाएगा 2h आई बात समझ में कोई दिक्कत नो दिक्कत अब h वाली टर्म एक साइड ले जाओ ये माइनस का root 3 h उधर जाएगा तो प्लस का रूट 3 है और इक्वल टू में क्या है 12 रूट 3 यहां से h आया कॉमन तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3 और इक्वल टू में क्या है 12 रूट 3 तो अगर मुझे h निकालना है तो जो h के मल्टीप्लाई में रिजल्ट है वो 12 रूट 3 के कहां जाएंगे डिवाइड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे बात समझ आ रही है जो h के मल्टीप्लाई में है वो 12 रूट 3 के डिवाइड में जाएंगे कोई दिक्कत तो अब देखो यहां पे ये h मुझे मिल गया अब आप चाहो तो रूट 3 की जो वैल्यू है 1.732 आप यहां और यहां रख सकते हो अभी बात समझ में आ रही है या फिर आप नीचे से रूट हटाने के लिए पहले रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो तो मैं पहले रेशनलाइजेशन कर रहा हूं नीचे 2 प्लस रूट 3 है तो मैंने 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ठीक है रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं नीचे जो साइन है उसको बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है कब किया जाता है ऐसा जब नीचे से रूट हटाना हो आई बात समझ में यस सर और ये कितना हुआ देखो 12 रूट 3 इनटू 2 तो ये हो गया 24 रूट 3 12 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3 जैसा वैसे ही मल्टीप्लाई में रहेगा आई बात समझ में और 12 रूट 3 इनटू रूट 3 तो रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हुआ रूट 3 इनटू रूट 3 3 और मल्टीप्लाई में 12 भी है तो 3 इनटू 12 करेंगे तो 36 कोई दिक्कत और इधर देखो a प्लस b इनटू a माइनस b वाली आइडेंटिटी बनी क्या होती है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताओ 2 का स्क्वायर कितना 4 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1 क्या नीचे 1 लिखना जरूरी है नहीं किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं तो ये हमारा आया आंसर h की वैल्यू आई है लेकिन इसने कहा है कि जो h आया है उसमें रूट 3 की जगह क्या रखो 1.732 तो आप 1.732 को 24 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 36 माइनस करोगे तब जो आपको h की वैल्यू मिलेगी वो हाइट होगी किसकी ग्राउंड से ट्री कितने ऊपर तक जो है वो बेंड हुआ है मतलब ये AB जो था उसकी हाइट आई बात समझ में कोई दिक्कत करो ये क्वेश्चन पूरा देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो 24 के बाद सर हमने आंसर निकाल दिया हुआ है इसके 44.6 हां ठीक है 25 क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है क्योंकि अभी तक हम डिस्टेंस ही निकाल रहे थे इसमें टाइम निकाल ठीक है थोड़ा क्वेश्चन अलग है इसको ध्यान से समझना देखो क्या कह रहा है स्ट्रेट हाईवे तो बना दो ये स्ट्रेट हाईवे सीधा हाईवे
ठीक है, ये क्वेश्चन को समझो आप, और इसमें एक बार इसमें एक एक लाइन पढ़ते जाओ तो फिगर अपने आप ग्रो हो जाएगा। ये स्टेट हाईवे निशान, ये स्टेट हाईवे क्या कह रहा है, लीड टू द फुट ऑफ टावर, मतलब ये स्ट्रेट हाईवे कहां तक जा रहा है, एक टावर के फुट तक जा रहा है, ये टावर था और ये यहाँ आके खत्म हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इतना ही बड़ा है और भी जाएगा, लेकिन यहाँ ये रोड के ऊपर एक टावर है, कहने का मतलब इसका टावर क्या जाएगा, गाड़ी कैसे जाएगी, कैसे टावर की तरह क्या? अरे मतलब, अरे ये रोड है और ये टावर है, रोड के बीच में थोड़ी होता है टावर, बगल में, बगल ठीक है, लंबा होता है ना वो, हां इधर देखो, स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन जो है वो यहां बैठा है, आई बात समझ में, लाइट जलती है, आवाज नहीं, और ये क्या कर रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर एंड ही ऑब्जर्व्स, ही ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ 30 डिग्री, तो इसने क्या किया, यहां बैठे-बैठे एक कार को देखा, ये कार जा रही थी, एक और जब इसने कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30 डिग्री, आई बात समझ में, यस सर, आई बात समझ में, ठीक है, आगे देखो, व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अब ये कार क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है किसको, टावर के फुट को, मतलब ये कार ऐसे आ रही है, आगे बढ़ रही है, और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो मैंने स्पीड इसकी मान ली, लेट स्पीड ऑफ कार बी x मीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में कितने मीटर चल रही है, x मीटर, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, ललित बात समझ में आ रही है, यस सर, एक टावर था उसके ऊपर एक आदमी बैठा है, वो क्या कर रहा है, बेटा बेटा कारों को देख रहा है, जब उसने कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बना, उस समय कार जो है वो फुट ये टावर के फुट की तरफ जा रही थी, और कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब वो बदल नहीं रही है, वो कांस्टेंट है, और उसको मैंने क्या मान लिया, x मीटर पर सेकंड, मतलब x मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में कितने मीटर, x मीटर चल रही है, आई बात समझ में, स्पीड ऐसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब सीधा बैठ जा, आगे देखो, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 second later, 6 second later, मतलब यहां थी 6 second में मान लो कार यहां पहुंच गई, ठीक, आई बात समझ में, तो ये जो आदमी बैठा था अब उसने वापस कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा घटेगा, देखो ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा हो रहा है तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया 30 था लेकिन कांट हो गया, आई बात समझ में, पहले कार यहां थी तब 30 डिग्री का एंगल बना, फिर कार 6 सेकंड में मान लो यहां पहुंची, जब उसने देखा वापस कार को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ के हो गया 60 डिग्री का, कोई दिक्कत, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी कार चलती रही तो ये कार यहाँ से टावर में जब भिड़ेगी, टावर तक पहुंचेगी, तो कितना टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, कितना टाइम लेगी, 12 सेकंड, आई बात समझ में, 12 सेकंड एकदम करेक्ट, ठीक है, 12 सेकंड रॉन्ग आंसर, देख लेना अब, ओके ओके सर, देखो सर, देख लेंगे, आवाज नहीं, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिमिलरली अगर ये एंगल 60 डिग्री का है सो दिस एंगल आल्सो 60 डिग्री, कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पूरी मैंने कहानी बनाई है क्वेश्चन की, इसको थोड़ा इजी फॉर्म में बना देता हूं, कोई दिक्कत भाई, यहाँ पे पहले कार थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे अंदर 30 डिग्री का दिया, ये एंगल था 60 डिग्री, ठीक,
ये था पॉइंट ए, मान लो ये बी, ये सी और ये डी। तब मुझे ये नहीं पूछा गया है कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, मुझे ये पूछा गया है कि सी से बी तक कार पहुंचने में कितना टाइम लगे। कार की स्पीड मैंने क्या मान ली, ठीक। अब देखो कैसे कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ सी डी, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट सी। अच्छा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो मुझे तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हुआ इस फॉर्मूले से, टाइम इनटू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। टाइम हुआ कि नहीं हुआ, पर अगर मुझे वापस टाइम निकालना पड़ेगा जो कि लास्ट में टाइम ही पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात समझ में आई कि देखो टाइम निकालना तो टाइम यही रखो, स्पीड वापस इसके डिवाइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ही फॉर्मूले के तीन अलग अलग फॉर्म है, ये आपको याद रखने, ठीक है। अब देखो मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी कार की, और यहाँ से पहुंचने में टाइम कितना लिया, तो डिस्टेंस क्या हो गई, 6 × x, बात समझ में आ रही है, मीटर। ये आ गई डिस्टेंस, ये है 6x, कोई दिक्कत नो दिक्कत, 6x, ठीक है। हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा इस चैप्टर में, हमने सीखा है कि हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल काम में लेना है। तो आपको दिख रहे होंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी डी। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ ए बी डी, बड़ा वाला राइट एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो हम डील किससे कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं बेस निकालना है, बेस। और परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, देख लो हाइपोटेन्यूस का कोई रोल है क्या, नहीं है, नहीं है। परपेंडिकुलर इसलिए काम में ले रहा हूँ बिकॉज कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और बेस मुझे अगर ये टाइम निकालना है तो ये डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी, तो मैं डील कर रहा हूँ परपेंडिकुलर और बेस से, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में लेंगे, टेन। तो बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है, परपेंडिकुलर कितना ए बी और बेस कितना बी डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया बी डी 10 30, और 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये हो गया ए बी, हमें मिल गया, कोई दिक्कत। चलो अगेन अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्योंकि अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बी डी नहीं है, हाँ बी टू डी की डिस्टेंस नहीं है, बी डी नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो जब तक B से D डिस्टेंस पता नहीं चलेगी, AB फाइंड नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ दो। अब दूसरा ट्रायंगल लो ABC, देखो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है ACD, लेकिन इसको नहीं लेंगे बिकॉज़ दिस ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू ऑलवेज हैव टू टेक ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर ये जो PP के ऊपर HP का कांसेप्ट हमने सीखा है, तो दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या हुआ, दूसरा ट्रायंगल में ले रहा हूं ABC, बताओ इस ट्रायंगल में भी मैं डील कर रहा हूं परपेंडिकुलर और कहीं ना कहीं बेस से, अगेन हाइपोटेन्यूस का कोई रोल नहीं है, और मैं 10, लेकिन थीटा कितना है 60, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर AB, बेस इज BC, कोई दिक्कत, 10 60 √3 इज इक्वल टू AB ओवर BC, तो यहां से AB कितना आया √3 BC, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो ये भी AB की वैल्यू और ये भी AB की वैल्यू है, और AB हमें ना तो पूछा गया है ना हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर सकता हूं, भाई AB इसके भी इक्वल है और AB इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। कल ये चीज सिखाई थी नहीं सिखाई थी, अगर दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कॉमन हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है, कॉमन है, इक्वल होता है। अगर A B के बराबर है और A C के भी बराबर है, तो B और C भी क्या होंगे, बराबर, कोई दिक्कत। दिस इक्वेशन, लेट्स सपोज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। देखो क्या होगा, मैं लिख सकता हूं BD by
रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री बी सी सी कोई दिक्कत ये रूट थ्री इस रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 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 बी सी कोई दिक्कत। अब देखो बी डी क्या है, बी डी है बी सी प्लस सी डी, आप फिगर को देख के बताओ है कि नहीं है। बी डी किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के। तो मैंने बी डी की जगह लिखा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू थ्री बी सी माइनस, तो मुझे सी डी निकालना है। पहले CD बराबर कितना हुआ देखो, यहां से ये BC उधर गया 3BC minus BC, तो 3BC में से BC minus किया तो कितने BC 2BC, तो 2BC बराबर CD और CD कितना है 6X, तो BC कितना हुआ 6X upon 2, मतलब BC मुझे मिल गया 3X, मतलब ये डिस्टेंस मुझे मिल गई 3X। क्या मुझे ये डिस्टेंस निकालनी थी? ना ना, मुझे निकालना था ये टाइम, टाइम ठीक है। अगर डिस्टेंस निकालनी होती तो वो हो जाती 3X ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, आई हैव टू फाइंड हियर द टाइम टेकन बाय दैट कार टू फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट सी टू पॉइंट बी। बात समझ में आ रही है? तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम टेकन बाय डिस्टेंस कार फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी। यहां तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी ये अगर मुझे बताना है, तो टाइम बराबर देखो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई, और स्पीड कितनी थी कार की x, x से x कट गया तो कितना आया 3 सेकंड, मतलब कार यहां से यहां तक पहुंचने में कितने सेकंड लेगी 3 सेकंड। जोर बोल रहे इसके बारे में बात समझ में आ रही है, तो 6 सेकंड में कार यहां से यहां तक पहुंची है, आगे 3 सेकंड में कार हेड टावर तक पहुंच जाएगी। लार्ज स्पीड बढ़ा दी गई, बात समझ में आई सर? ये कोई दिक्कत सर? तो ये क्वेश्चन ऐसे नोट करो, यस यस, और भी तो